दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि साल 2022 के शुरुआत में साउथ की दो फिल्म ने दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बना ली, और वो है SS राजमौली की RRR फिल्म और KGF चैप्टर 2। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और अपनी दमदार स्टोरी और करेक्टर के चलते करोड़ों दर्शकों का खूब दिल जीता, और इसी वजह से ये दोनों फिल्में दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बन चुकी है, जिसके लिए सिनेमा हॉल में टिकट एडवांस में सबने बुक कर ली थी। इन दोनों फिल्मों का क्रेज इनके रिलीज होने के पहले दिन से ही देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, आप RRR और KGF चैप्टर 2 फिल्मों के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म रही दर्शकों की फेवरेट और किस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको RRR और KGF 2 फिल्म के बारे में ही बताने वाले हैं, और साथ ही यह बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने दर्शकों का खूब दिल जीता और किसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं RRR फिल्म के बारे में। तो आपको बता दे, ये फिल्म 25 मार्च को रिलीज हुई थी, जिसके लिए काफी लोगों ने एडवांस में टिकट भी बुक कर लिया था, और इसी वजह से इस फिल्म ने अपने दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया था। और इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में भी पूरी तरह से धूम मचा दिया, क्योंकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसको लेकर एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखी गई थी, और हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म को सबसे ज्यादा देखा गया। तो वहीं इस फिल्म में जूनियर NTR रामचरण की जोड़ी को सबने खूब पसंद किया, और इन दोनों की जोड़ी को लेकर सब लोग खूब तारीफ कर रहे हैं, और इसीलिए इस फिल्म ने लगातार 600 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली, जहां 10वें दिन 55 से लेकर 57 करोड़ की कमाई हुई, और इसी तरह से ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इन सबकी भाषा है फिल्म की कहानी और इस फिल्म में नजर आए स्टार कास्ट, जिसमें हमें जूनियर NTR कोमाराम भीम के किरदार में नजर आए हैं, और रामचरण अल्लूरी सीताराम के किरदार में नजर आए हैं, और आलिया भट्ट सीता के किरदार में नजर आ रही हैं। और अब इन सबके साथ बॉलीवुड हॉलीवुड के और भी कई दिग्गज कलाकार देखने को मिले हैं, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया। अब बात करते हैं KGF 2 फिल्म के बारे में। तो आपको बता दे, फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी। आपको बता दें, इस फिल्म के चैप्टर फर्स्ट से ही फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से इस फिल्म में अभिनेता यश और अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी के साथ साथ बॉलीवुड की फेमस अदाकारा रवीना टंडन और संजय दत्त जैसे कई दमदार कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए थे, जिसके डायलॉग डिलीवरी और उनके एक्शंस और उनके अंदाज को दर्शक अपना खूब प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से KGF चैप्टर 2 ने अपने फर्स्ट पार्ट को धूल चटा दी और दर्शकों द्वारा इस फिल्म को खूब ज्यादा पसंद किया गया है। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म ने पहले दिन 165.37 करोड़ की कमाई की है, और पूरे 6 दिन के अंदर KGF 2 ने 676.80 करोड़ की कमाई की है, जिसके चलते ये फिल्म 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है। और इस फिल्म में यश के रॉकी भाई के करैक्टर के साथ साथ हर एक करैक्टर को दर्शकों ने खूब पसंद किया और अपना बहुत प्यार दिया। लेकिन बात करें कि RRR फिल्म और KGF 2 में से किस फिल्म को दर्शक ने सबसे ज्यादा पसंद किया और किस फिल्म में दर्शक सबसे ज्यादा दिल जीता, तो आपको बता दे, RRR फिल्म ने दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल जीता और इस फिल्म को दर्शक ने सबसे ज्यादा पसंद किया। लेकिन अगर बात करें कौन सी फिल्म रही कमाई के मामले में आगे, तो आपको बता दें, KGF चैप्टर 2 ने अपने शुरुआती दिनों से ज्यादा कमाई कर चुकी है, जिसकी वजह से ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है RRR फिल्म और KGF चैप्टर 2 फिल्म के बारे में जानकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।